हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज मुंजाल पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड वुमेन हॉस्पिटल से। आज आपके उस सवाल का जवाब दूंगी जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब स्टार्ट होंगे, या मेरा 2-3 महीना हो गया है डिलीवरी का लेकिन अभी तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट 40 डेज या 6 वीक्स तक ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग या वजाइनल डिस्चार्ज का होना बहुत नॉर्मल है, और इसके बाद रेगुलर पीरियड्स हो सकता है कि इमिडिएटली स्टार्ट हो जाए, या कभी कभी इसको 6 महीना, साल भर या 2 साल भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है प्राइमरली कि आप बच्चे को कितना फीड करा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में कभी कभी लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी कि पीरियड्स का ना होना 2 साल तक भी नॉर्मल होता है। इसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस हैं जिसके चलते ये डिसाइड होता है कि हमारा बॉडी कब रेगुलर रिदम में आएगा और कब पीरियड स्टार्ट होंगे। जैसे कि अगर डिलीवरी के बाद बहुत हैवी ब्लीडिंग हो गया है इमिडिएटली या लेट, तो ऐसे में पीरियड्स डिले हो सकते हैं। या अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है किसी भी चीज़ को लेकर कि इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस में है, तो हो सकता है पीरियड्स जल्दी आए या लेट आ जाए। या अगर किसी तरीके की मेडिकल डिसऑर्डर है या ड्रग्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं या इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये हमारे बॉडी के नेचुरल सिस्टम को या रिकवरी सिस्टम को इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हर किसी का सिस्टम एक अलग टाइम लेकर के चलता है और हर किसी को अलग अलग फेजेस में अपना जो पीरियड्स का रिजम्पशन है वो हो सकता है। लेकिन इसके चलते कई बार बहुत धोखे भी लोगों के साथ हो जाते हैं कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया में हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है, और इसके चलते ही प्रेगनेंसीज भी रुक जाती हैं और बहुत लेट तक पता चलता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी बॉडी किस तरफ जा रही है, और अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करिए, क्योंकि एमेनोरिया के चलते भी अगर सावधानियां नहीं रखी जाती हैं तो प्रेगनेंसी रुकने का खतरा रहता है। और अगर बहुत टाइम तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या इसके चलते आपको मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कुछ मेडिसिंस के जरिए विड्रॉल ब्लीड भी ला सकते हैं। थैंक यू।